हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विद किसनील में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। उसके लिए हमने आलू को बॉईल कर लिया है। तो मुझे 3 पराठे बनाने थे, इसलिए मैंने इतनी आलू बॉईल की। आप अपने हिसाब से बॉईल करना। इसके बाद हम आलू को मैश कर लेते हैं और इसमें आधा चम्मच हींग पाउडर और 2 कटे हुए मिर्च ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसमें धनिया, हरा धनिया ऐड करेंगे। हरे धनिया से पराठे का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप उसको ज़रूर डालना, क्योंकि बिना धनिया के पराठा अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हमने आटे को गूंथ लिया है और आटा थोड़ा सा नॉर्मल आटे से हल्का सा ढीला रखेंगे, जिससे इसमें ये मिक्सचर अच्छे से चला जाए और ये पराठा अच्छे से बन जाए। तो हम अच्छे से अब इसके लिए गोल गोल लोई बना लेंगे और इसमें हम ये मिक्सचर भरेंगे। और गाइस, मिक्सचर जो हम इसमें ज़्यादा भरेंगे, जिससे इसका पराठे का टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप कम भरेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगता है। आप ट्राई करके देखना, आप इसमें मिक्सचर ज़्यादा भरिएगा। और ये आराम से इसको बेल लेते हैं, ये फटती नहीं, पराठा कहीं से फटेगा नहीं। आप देखिएगा, आप ऐसे ही बनाएंगे तो फिर आपका भी पराठा नहीं फटेगा और बस फटाफट बन जाएगा। बस आप उसका आटा जो है थोड़ा सा लूज रखिएगा। अब इसको हम पराठे को तवे पे डाल देते हैं। इसके बाद हम दूसरा पराठा साथ में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप पूरी प्रोसेस अच्छे से देखना और आप बहुत आसानी से पराठा बना लोगे। इसमें 4 से 5 इंग्रेडिएंट पड़ते हैं, ज़्यादा नहीं पड़ते। अब हम पराठे में तेल लगा देंगे, और इसमें पराठे में तेल ज़्यादा लगता है, तभी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम दूसरे साइड में पराठे में तेल लगा देंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। दूसरा पराठा हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने आलू भर दिया है इसके आटे में। अब इसको अच्छे से हम अच्छे से दबा के, इसका जो भरता है दबा के, उसके बाद उसके ऊपर आटे को सही से उसकी लोई गोल गोल बना लेंगे, जिससे वो फटता नहीं। आप देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आप करिएगा, ये फटाफट बन जाता है। और आप देखिए, दूसरा पराठा भी नहीं फटा है, बिल्कुल अच्छा है वैसा ही, और आप खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। तो गाइस, आप ऐसे अगर पराठे बनाएंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। तो ये पराठा सीख गया है। आप इसका टेक्सचर देखिए, दिखने में बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और खाने में भी इससे ज़्यादा टेस्टी था। तो अब हम ये दूसरे पराठे को भी सेक लेंगे अच्छे से। और अब ये तीसरा पराठा, इसमें हम पूरा इसका मिक्सचर भर देंगे। अब इसको भी बेल लेंगे अच्छे से। और गाइस, आपने ध्यान दिया होगा पराठा कहीं से भी फट नहीं रहा है। उसका रीज़न यही कि मैंने इसका जो आटा था थोड़ा सा लूज गूंथा था, तो ये कोई भी आसानी से बना लेगा। अब इसके बाद हम दूसरे पराठे को भी इसमें तेल लगा देंगे और इसको भी वैसे पहले पराठे की तरह पकाएंगे। और आप पराठे के साथ अचार, चटनी या फिर दही के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह के नाश्ते में अगर पराठा मिल जाए तो उसका स्वाद ही अलग होता है। और गाइस, ये दूसरा पराठा बन गया। अब तीसरा पराठा बन रहा है। अब इसमें हम तेल लगा देंगे और ये तेल फटाफट इसमें लगा के इसको पलट देंगे। अभी भी तुरंत पक जाएगा। तो आप जिस हिसाब से आपके यहाँ खाने वाले हों उस क्वांटिटी में बनाना। मुझे बस 3 बनाने थे, इसलिए मैंने बनाए। गाइस, इनका टेक्सचर देखिए, पराठे बन के रेडी हो गए हैं। और आप भी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।